डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद है जुलाना में और कल ही ग्राम पंचायत लजवाणा कला द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था कि किन्नर समाज को जो राशि दी जाती है वो राशि निश्चित होनी चाहिए और वो निश्चित भी करिए 1100 रुपये। ऐसा क्यों करना पड़ा पंचायत को, क्या कारण रहा कि पंचायत को ये निर्णय लेना पड़ा? भाई सोल्जर राम राम। राम राम जी। भाई सोल्जर है, अपनी पंचायत ने निर्णय लिया है, काले के निर्णय लिया है भाई, जो ये किन्नराओं हैं 1100 से ऊपर कोई नहीं देगा, और क्या कारण रहा है? भाई साहब, हमारे जैसे घर पर डेली आदमी आते हैं, आज 5000 ले गए, आज 11000 ले गए, आज 31000 ले गए, ब्योंत नहीं होता। ब्योंत जिसका ज़्यादा उस पर ले, थोड़ा ज़्यादा ले लो, जिसका ब्योंत बिल्कुल गरीब है उस पर थोड़ा भाई किन्नर समाज ने भी थोड़ा देखना चाहिए। बाकी हमने एक अकेला किन्नरों पर किया, थोड़ी हमारी भी कमी आ रही है। हमें हर एक संस्था, कोई भी संस्था है, गौशाला है, कोई बाहर की संस्था, नाथ आश्रम है, ये सब पे ही ये डिमांड हम लागू करेंगे। अकेले किन्नरों पर की गई, उस दिन हमारी थोड़ी कमी रह गई। बाकी ये आगे प्रस्ताव है, हर एक संस्था के उसमें ही करेंगे भाई, सबको 1100 रुपये से कम, 1100 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। किन्नर समाज बोलता है कि हमारे पास कमाई का एक यही साधन है, इसी से हमारा काम चलता है, हमारा समाज चलता है, तो इसी में अगर हमारे पास कम पैसे आएंगे तो हम कैसे चला पाएंगे? नहीं, कम तो नहीं है। देखो, बहुत से गांव होते हैं किन्नरों के पास, 1100 रुपये एक परिवार से लें तो उसमें भी उनका गुजारा। उन्होंने इस चीज़ का भी अपना वो के रखा कि एक परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तब हमें बधाई मिलती है, उसके बाद जब 22 साल का होता है, जब वो विवाह होता है तब बधाई मिलती है, इस बीच हमें कुछ नहीं मिलता, हमें अपना काम भी चलाना होता है, और बहुत सारे हम धार्मिक कार्य भी करते हैं, रोटी रस चलाते हैं जींद के अंदर, और ऐसे 65 बच्चे हैं जुलाना ब्लॉक के अंदर जिनको किन्नर समाज आज पढ़ाई का रहने सब खर्चा दे रहा है। चलो, वो भी उनके हम भी सुनते हैं, किन्नर समाज भाई भलाई के काम भी बहुत ज़्यादा करता है। फिर हमारे पर गांव की भी दाव पड़ी हुई थी भाई, ये सभी ग्राम की पंचायत, कई पंचायतों ने किया, आप भी करो। फिर हम इसमें थोड़ा बदलाव करके इसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे भाई, जिसकी नौकरी वाला है या अच्छा परिवार उससे थोड़ा ठीक लिया जाए, जो गरीब परिवार है उससे थोड़े भाई जायज लिए जाएँ। बाकी हर एक संस्था का करेंगे हम, अकेले किन्नर समाज को हम टारगेट नहीं करेंगे। बात की जाए कि 1100 रुपये अगर कोई पारिवारिक सदस्य, कोई परिवार 1100 से ज़्यादा देता है तो उस पर क्या कहोगे? नहीं, वो अभी हमें थोड़ा बात करेंगे इस विषय में, जो नौकरी है जिसका भाई उस पर थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं, जो गरीब परिवार है जिसका नौकरी नहीं है उसकी हमें 1100 की करेंगे। जी। हाँ। भाई देख सको हो, जो पंचायत लजवाणा कला ने निर्णय लिया है, ये कह जो परिवार सक्षम है वो राशि ज़्यादा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के साथ।